हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले भी एक स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें ड्राफ्ट देखने को मिला था, जहां पर कई सारे बड़े सुपरस्टार ड्राफ्ट हुए, जैसे कि ब्रे वाइट, रोमन रेंस, बैकी लिंच, रैंडी ऑर्टन। बट अभी भी कुछ ऐसे बड़े सुपरस्टार बाकी है जो कि ड्राफ्ट होने के लिए बचे, और कह सकते हैं वो इस वीक के रॉ में ड्राफ्ट होते हुए हमें दिखेंगे। और आप सबको बता दूं कि इस ड्राफ्ट में हमें एक काफी बड़ी शॉकिंग चीज देखने को मिल सकती है, और आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको ऐसे कुछ और चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमें देखने को मिलने वाली है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में जो हमें मैच देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप सबको अपनी पिछली वीडियो में बताया दिया था, जो कि होने वाला है दी मैन बैकी लिंच वर्सेस दी बॉस साशा बैंक्स के बीच। और इस मैच को जो भी जीतेगा उसके ब्रांड को मौका मिलेगा पहला पिक चुनने का, जैसा कि हम सबने पिछले वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बीच। और चांसेस तो काफी ज्यादा है कि यहां पर हमें बैकी लिंच की जीत देखने को मिलेगी और फिर से रॉ को मौका मिलेगा पहला पिक सेलेक्ट करने का। बट आप सबको बता दूं कि इस वीक के रॉ में हमें एक और काफी बड़ी शॉकिंग चीज होते हुए दिख सकती है, और वो है द बैडेस्ट वोमेन ऑन द प्लेनेट रोंडा राउजी का रिटर्न। और रोंडा राउजी के रिटर्न के रिलेटेड अपडेट समर स्लैम से ही आ रहे हैं कि अब वो समर स्लैम में आ सकती है, स्मैकडाउन के फॉक्स डेब्यू पर आ सकती है, बट उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न नहीं किया। और हाल ही में ट्रिपल एच ने भी कहा था कि हमें रोंडा राउजी बहुत जल्द अपना रिटर्न करते हुए दिखने वाली है WWE में। और वही बात करें कि आखिर नेक्स्ट रॉ में इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है कि रोंडा राउजी अपना रिटर्न करते हुए दिख सकती है, तो इसका पहला रीजन है बैकी लिंच। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अब बैकी लिंच के लिए ज्यादा चैलेंजर बचे नहीं है रॉ में चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि वो लगभग WWE के सारे टॉप वुमेन रेसलर को फेस कर चुकी है। और हम सब जानते हैं अगर बैकी लिंच को कोई चैलेंजर देना है तो वो एक अच्छे लेवल पर होना चाहिए, और रोंडा राउजी एंड बैकी लिंच की अभी भी राइवलरी अधूरी है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या रोंडा राउजी का रिटर्न नेक्स्ट रॉ में हमें देखने को मिलता है या फिर उसके बाद कभी। तो अब बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है ड्राफ्ट से, या कहे नेक्स्ट रॉ में होने वाले ड्राफ्ट से। सबसे पहले आप सबको कुछ ऐसे सुपरस्टार के नाम बता दूं जो कि हमें ड्राफ्ट होते हुए नहीं दिखेंगे और वो फ्री एजेंट बन चुके, और वो अपने मन से ब्रांड चुन सकते हैं, चाहे वो स्मैकडाउन में जाना चाहते हैं या फिर रॉ में। तो पहला सुपरस्टार है सिजारो, उसके बाद है तमीना, कर्टिस एक्सल, बो डैलस, ड्रू गुलाक, EC3, एरिक यंग, चैड गेबल, हम्बर्टो कैरिलो, हीट स्लेटर, अकीरा टोजावा एंड सिंह कारा। तो वैसे ही कुछ सुपरस्टार है जो हमें ड्राफ्ट के दौरान ड्राफ्ट होते हुए नहीं दिखेंगे और ये फ्री एजेंट बन जाएंगे और ये अपने मन का ब्रांड चुन सकते हैं ड्राफ्ट के बाद। तो अब बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है शार्लेट से। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में शार्लेट हार गई थी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बेली से। तो आप सबको बता दूं कि इसके बाद ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि हमें शार्लेट ड्राफ्ट होते हुए दिख सकती है मंडे नाइट रॉ में, इसलिए लेट्स सी नेक्स्ट रॉ में क्या होता है। तो अब बात करें उस अपडेट के बारे में जिसके लिए मैं बोल रहा था कि एक काफी बड़ी शॉकिंग चीज होते हुए दिख सकती है ड्राफ्ट के दौरान, और वो चीज है चैंपियनशिप एक्सचेंज, और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के बीच इस बार नहीं होने वाली, क्योंकि हम सब जानते हैं AJ Styles रॉ में ही रहने वाले, बट वो हो सकती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप के बीच। अब बात करें कि आखिरकार ये हमें पॉसिबली होते हुए क्यों देख सकता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में दी फिंड ने फिर से आकर अटैक किया था सेथ रॉलिंस पर, और ये देखकर लग रहा है कि अभी भी इन दोनों के बीच फ्यूड खत्म नहीं हुई है, और WWE अगर इनकी फ्यूड कंटिन्यू रखना चाहती है देन डेफिनेटली हमें सेथ रॉलिंस भी ड्राफ्ट होते हुए दिखेंगे स्मैकडाउन में, क्योंकि ब्रे वाइट पहले से ही स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके और अब तो वाइट कार्ड रूल भी खत्म हो चुका है, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में हमें जाते हुए दिखेगा और स्मैकडाउन का रॉ पर। इसलिए कह सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन हाँ ऐसा होते हुए दिख सकता है कि हमें यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस ड्राफ्ट होते हुए दिख सकते हैं स्मैकडाउन में अपनी चैंपियनशिप के साथ, एंड WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ड्राफ्ट होते हुए दिख सकते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप के साथ मंडे नाइट रॉ में। इसलिए कह सकते हैं कि इस रॉ में हमें काफी बड़े बड़े ड्राफ्ट देखने को मिलने वाले, इसलिए देखना होगा कि आखिरकार हमें इस रॉ में कुछ सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबको क्या लगता है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ हमें सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन के एपिसोड में जाते हुए दिखेंगे या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।